बहुत अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ इससे पहले अपने पापा की मेहनत देखी थी कि वो दिन रात एक करके हरोली की सेवा करते थे, बीमारी में भी लगे रहते थे कि, और जब हम छुट्टी पे कहीं जाते भी थे तो वहां भी मुझे गाड़ी से उतरवा के तस्वीरें खिंचवाते थे। जैसे रेन शेल्टर था जयपुर में, तो मुझे गाड़ी से उतार के बोलते ये फोटो खींचो, और मुझे बहुत अटपटा लगा चलती गाड़ी से किसी को उतार के बोले तस्वीर खींच के लाओ। पर 6 महीने बाद वो हरोली में तैयार था रेन शेल्टर, ये मुकेश अग्निहोत्री जी की सोच है। वो जहां भी जाते हैं सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हरोली के लिए और क्या किया जा सकता है, मैं क्या अच्छी से अच्छी चीज हरोली में ला सकता हूँ। आपने उनका काम करने का तरीका देखा है, जब वो मंत्री थे उन्होंने कितनी सेवा की, कैसे हरोली की तस्वीर बदले आपने देखा है। मैंने उसके पीछे का त्याग देखा है, समर्पण देखा है, और इसीलिए मैं आपसे अपने पापा के लिए वोट मांगने आई हूँ। ईशपुर हमेशा बहुत शानदार जीत देता है, मेरे पापा को ये बहुत लीड देता है, इस बार उससे भी ज्यादा लीड चाहिए। देखो पूरा प्रदेश आपको एक सपना दिखा रहा है, हम इतिहास रचने के मोड़ पे हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं कि आने वाला कल हमारा होगा। पर अगर हमें वो कल हमारा चाहिए तो हमारी लीड उतनी ही शानदार होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगी कि हर रिश्तेदार, हर जान पहचान वाले इंसान को, आपके आस पड़ोस के लोगों को अपील कीजिए कि पंजे का बटन दबाएं और मुकेश जी को फिर से जिताएं। जितनी शानदार लीड उतना शानदार आने वाला कल। आप मुकेश जी को फिर से जिताएंगे, उन्होंने विकास में कोई कमी नहीं छोड़नी है, उन्होंने ना कभी पहले छोड़ी है, जो किसी ने सोचा भी नहीं वो करके दिखाया है। अभी खड़ की एक बच्ची थी, उसको वो बहुत प्यार से खड़ी थी, और आपको दिख जाता है ना कि किसके कौन दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो उससे मैंने पूछा क्यों मुकेश जी को वोट डालोगे, उसकी पहली वोट है। उसने कहा दीदी ये दिल मांगे मोर, मेरा दिल कहता है कि और विकास होना चाहिए हरोली में, वो फुटबॉल खेलती है तो उसको एक फुटबॉल अकेडमी का और विकास होना चाहिए, मेरे जैसी और लड़कियों को मौके मिलने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण नौकरियां मिलनी चाहिए, और ये सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री जी दिला सकते हैं। अब आप दूसरी पार्टी की बात करोगे, ये पहली बारी मैं देख रही हूँ लोकतंत्र में, हमेशा कोई सरकार जो है वो अपने काम पे वोट मांगती है, ये पहली सरकार है जो वोट मांगे। हम आएंगे, नौकरियां देंगे हम। जो मुकेश अग्निहोत्री जी के लिए मैं आपसे वोट की अपील कर रही हूँ, जो काम आपके सामने खड़े है, प्यार है काम, उसकी बात पे हम वोट मांग रहे हैं। ये बोल रहे हम नौकरियां देंगे। आप, मैं उनसे पूछती हूँ 5 साल कहाँ थे, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, हरोली वालों को नौकरियां देनी थी, 5 सालों में देते। अब मैं वकील हूँ तो तथ्यों की बात करती हूँ। पुलिस में हमारा हर बच्चा पुलिस में जाना चाहता है, क्या किया आपने हमारी भर्तियों के साथ, बार बार घोटाले, हमारे बच्चों का जीवन से खिलवाड़ हुआ, JOAIT के पेपर कितने बच्चों ने दिए, सब जितनी सरकारी नौकरी निकली, कितनी सरकारी नौकरी पिछले 5 साल में बर्बाद होगी, क्योंकि सरकार निकम्मी थी कि उन नौकरियों को सुरक्षित रख पाए, हमारे बच्चों तक पहुंचा पाए। बहुत ऐसे पेपर थे जिसके इंतजार में हमारे बच्चों के साल बढ़ते गए, पर वो नौकरियों की वैकेंसियां आज भी नहीं निकली, और हाल इतना खराब हो गया कि नेस्ले जैसी कंपनी जो पेपर लेती है और मेरिट पे लोगों को नौकरियां देती थी, उन पे इतना दबाव बनाया गया कि पेपर का रिजल्ट लीक ना किया जाए, और 10-10 दिन की नौकरियां नेस्ले जैसी कंपनी को मजबूर करके देनी पड़ रही है। 10 दिन की नौकरी, आज की तारीख में 10 दिन की नौकरी से किसी का घर चलेगा, और उस बच्चे का क्या जिसके पास डिग्री है, जिसने 3 साल पेपरों की तैयारी की और वो पेपर रद्द हो गए। तो तथ्यों पे अगर बात करें तो कोई भी सरकार को वोट नहीं करेगा, कोई नौजवान वोट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। मैं भी इंतजार कर रही थी, हमारे जुडिशरी का पेपर आता है, हर प्रदेश में वो पेपर निकल गया, 3 साल से हिमाचल सरकार ने वो पेपर नहीं निकाला, हर प्रदेश में 2-2 बारी निकल गया, इस प्रदेश की सरकार सोई रही। मेरे भी 3 साल बर्बाद हुए, मेरे आसपास के लोगों के बर्बाद हुए। वैसे ही एक जरूर एक इंसान को नौकरी मिली हरोली में, सरकारी नौकरी, राम कुमार जी की बीवी को। परिवारवाद कहते हैं, मैं अपने पापा का कंधा बनना चाहती हूँ, बयान देते हैं कि परिवारवाद है। मैं आए किसके लिए वोट मांगने, अपने पापा के लिए, उनका बेटा नहीं तो क्या बेटी बेटे उससे कम मैं आज की तारीख में।
क्या बन रही हूँ, उसको परिवारवाद की परिभाषा कहते हैं। पर वो परिवारवाद नहीं कि एक सरकारी नौकरी 5 साल में निकली और आपने अपनी बीवी को दे दी। क्या हमारे युवा भाइयों में नहीं था सामर्थ्य, हमारी युवा बहनों में नहीं था सामर्थ्य? तो ये प्रश्न का उत्तर वो कभी नहीं देंगे, मुझे पता है। अभी प्रधान मुख्यमंत्री जी से मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे हरोली रैली में, आपके साथ ही खट कॉलेज लगता है, कितनी सुंदर बिल्डिंग तैयार है, किसके पैसों से तैयार हुई है? आपके और मेरे पैसे है ना, सरकार के पास किसके पैसे, हमारे पैसे है। उसको बंजर छोड़ दिया है सरकार ने, कहती है फर्नीचर के पैसे नहीं है हिमाचल सरकार के पास। क्या आप मान सकते हैं कि हिमाचल सरकार इतनी गरीब हो चुकी है कि फर्नीचर लगाने के पैसे नहीं है कॉलेज में? अगर इतना बुरा हाल है जयराम सरकार का तो हम उसे दूर भेजेंगे, क्योंकि उस हमने ये देखा है कि जयराम सरकार ने बार बार हेलीकॉप्टर खरीदे, 1000 गाड़ियां खरीदी। ये कोरोना काल की बात है, जो जब मंदिरों के पैसे जब्त किए गए, खुद को भगवान के भक्त कहते हैं, मंदिरों के इन्होंने पैसे जब्त किए, पर 1000 गाड़ी खरीदी, वो भी महंगी गाड़ी, 40-50 लाख की गाड़ियां खरीदी। 2 मंजिल के घर में लिफ्ट लगा दी गई। उनकी जगह कोई और होता तो वो शायद बोलता हम मंदिरों के पैसे ले रहे हैं। हिमाचल सरकार के पास अभी आर्थिक तंगी चल रही है, हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे। इंग्लैंड की महारानी ने खर्चों में कटौती की, अरबी देशों के राजाओं ने कटौती की, हिमाचल सरकार ने चवन्नी की कटौती नहीं की। पर कटौती करेंगे खड कॉलेज में फर्नीचर लगाने के लिए। हमारे बच्चे इससे बेहतर सरकार के भविष्य हैं। आप देखो 5 साल में किसी को कोई मदद नहीं मिली। मुकेश जी थे, सबको मदद मिलती थी, लाखों की मदद भी की उन्होंने। अब इस सरकार ने आके किसी को मदद नहीं की। नरेगा में किसी को कंबल भी नहीं दे पाई है सरकार। जो सरकार लोकतंत्र में इसलिए होती है कि दूसरों का कल्याण कर सके, हर नागरिक को ये एहसास हो कि हमारे पास एक पिता है, मुख्यमंत्री के रूप में पिता है, विधायक के रूप में पिता है। जब मुकेश जी उद्योग मंत्री था, आपको बार बार महसूस हुआ होगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। किसी अभी आप 5 साल में देखो, बहुत लोगों को आर्थिक तंगी हुई, कोरोना काल था, बहुत बच्चे ऐसे जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में गए क्योंकि आर्थिक तंगी हो गई। शिमला से बैठी सरकार ने कहा तुम अपने हाल पे हो, हमें कोई फर्क नहीं है। किसी को कोई मदद नहीं मिली। तो जो सरकार आपके दुख में आपके साथ खड़ी नहीं है, वो उसे वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछा था कि आपने हरोली कॉलेज है उसकी बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई, 5 साल में बनानी थी। कोई जवाब नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है 5 साल में। आप बार बार देखोगे कुछ नहीं, अपन डोगा इंडस्ट्रियल एरिया आपके साथ लगता है, क्या हुआ 5 साल में चालू करा पाए? नहीं करा पाए। जो एक बना बनाया इंडस्ट्रियल एरिया, जो पंडोगा इंडस्ट्रियल एरिया ही चालू नहीं करा पाए, वो नया इंडस्ट्रियल एरिया सवाल आएंगे। इस सरकार में इच्छा शक्ति नहीं, मुकेश जी में इच्छा शक्ति थी। हरोली रामपुर पुल रिकॉर्ड तो टाइम में बना के तैयार किया। अभी पंडोगा त्रिपुरी पुल बनेगा, अभी आपके साथ ही पंडोगा लगता है, पंडोगा त्रिपुरी पुल रिकॉर्ड टाइम में वो भी तैयार होगा, महीना जनवरी का होगा, और फिर से अरोली का विकास गति पकड़ेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। मुकेश जी को लगता है शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम है, इसीलिए पंडोगा में ITI आई, कॉलेज आया खड में। मुझे भी ऐसा नहीं, वो सिर्फ कह रहे हैं, मुझे धक्के मार के PhD कराई कि नहीं बच्चा तुम्हें मौका मिल रहा है तुम पढ़ो, क्योंकि शिक्षा ही खुशियों के दरवाजे खोलता है जीवन में, ऐसा उन्होंने मुझे सिखाया है। पर वो सोच अगर मेरे लिए, तो यही सोच हरोली की हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला था मेरे पापा ने पालकवा में। आप गाँव में देखते लड़कों को बोलते जाओ वेल्डिंग की दुकान में वेल्डिंग सीख लो, प्लम्बर का काम सीख लो, पर उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उनको उसके तर्ज पे काम आ जाता है, हुनर सीख लेते हैं, पर नौकरियां नहीं मिल पाती है। उस सोच से स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला था ताकि बच्चे जाएं, हुनर सीखे, किसी ने प्लम्बर का काम सीखना है, किसी ने कोई और हुनर सीखना है, वहां पे सरकार ने मुहैया कराना था। पर सबसे बड़ी बात, उनको एक सर्टिफिकेट मिलना था जिसके बलबूते पे वो विदेश भी जा सकते हैं।
28 करोड़ का अदारा तैयार है और किसके पैसे से तैयार है? आपके और मेरे पैसे से तैयार है। सरकार ने 28 करोड़ खर्चे, चुनाव आए, सरकार बदली, राम कुमार जी ने अपने ही गांव के साथ अन्याय कर दिया, उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर को चालू नहीं किया, 1600 बच्चे एक मुश्त वहां पढ़ते। अब बच्चों का छोड़ो, उनके अपने गांव में कितना रोजगार मिलता जब स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता। आप खुद सोचो, कोई भी अदारा जब चालू होता है तो तस्वीर बदल जाती है गांव की। जो अपने गांव में इतनी छोटी सोच रखे कि मुकेश ने खोला है तो मैं चलाऊंगा ही नहीं, वो हकदार ही नहीं है वोट की, उनकी तीसरी बारी हार निश्चित है। और वो क्या बोलते हैं, नशा माफिया। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं मुकेश अग्निहोत्री की बेटी हूँ जिसने दारू का अपने जीवन में कभी हाथ नहीं लगाया। तुम जो बोलो झूठ, आप इसलिए इतना झूठ बोलते, आप इतना झूठ इसलिए बोलते हो क्योंकि मुकेश जी के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है। मुझे गर्व है मैं उस मुकेश अग्निहोत्री की बेटी हूँ जिनके लोग कहते हैं विकास की गंगोत्री मुकेश अग्निहोत्री। आज मैं आपको वादा करके जाती हूँ, आप मेरे पापा को भारी मतों से जिताओ, सरकार बनाओ। शिमला में हमने भंगड़ा डालना है ओकोवर के पास रिज मैदान पे, तो हमने वहाँ पे जाना है। हमने रिज मैदान पे भंगड़ा डालना है, अपनी अच्छी सरकार लानी है। मैं आपको वादा करती हूँ, जनवरी महीने से आपको महसूस होगा आपके पीछे पिता तुल्य सरकार खड़ी है। आपके दुख में जो आपका साथ देगी वो सरकार खड़ी है। आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, पक्की नौकरियां मिलेंगी। नरेगा की दिहाड़ी 350 रुपए मिलेगी। हर बेटी को 18 साल से ऊपर 1500 रुपए महीना मिलेगा। एक सरकार जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ी हो वो आपको मिलेगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि जब तक हमारे हाथ की उंगलियां बिल्कुल सुन न हो जाए, आपने हर खिड़की दरवाजे पे अपील करनी है मुकेश अग्निहोत्री को जिताओ। जब तक हमारी आवाज खराश ना आ जाए तब तक हर घर फोन करके बोलना है मुकेश को जिताओ, क्योंकि हमें शानदार जीत चाहिए। दिल्ली से भी लोग देख रहे हैं कि हरोली कितनी शानदार जीत देता है। धन्यवाद।